हाय गाइस, आई एम सिद्धार्थ बैक अगेन विद ए न्यू वीडियो और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल डीबीएस। किस चैनल में बहुत स्वागत है आपको। सो चलिए दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को टिल देन एंड तक जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक्स है वो है हमारा जो ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स, ब्लड ऑर्गन्स, हमारा जो है तमाम लिविंग ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी, ये सभी जो है ब्लड किस तरह से जो है पंप होते हैं, कहाँ कहाँ से जाते हैं और जो है ब्लड में मिनरल्स, ग्लूकोज, फाइबर, विटामिन, ये जो सभी रहता है, ये सभी के बारे में आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूंगा। तो टिल देन लास्ट तक जरूर देखिए, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। सो आज का टॉपिक से ब्लड यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है फ्लूइड के काम क्या होता है, ये जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स रहता है। सो ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स रहता है फ्लूइड के अंदर और जो होता है कनेक्टिव के मतलब जो वेरियस ऑर्गन्स रहता है उसके साथ जो है एक हिस्सा जुड़वा देता है, जो कनेक्ट कर देता है उसको, इसलिए उसको बोलते हैं कि कनेक्ट। और जो होता है हमारा टिश्यू के मतलब हो गया मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। सो प्लाज्मा ब्लड सेल प्लस मिडिल पे जो है कनेक्ट और लास्ट पे जो है हमारा टिश्यू, इन तीनों चीज को एक साथ गैदर करेंगे तो होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है और जो है फॉर्मेंट एलिमेंट। सो ये लिविंग ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो लिविंग ब्लड सेल्स जहाँ पे सस्पेंड हो जाता है उसको हम कहते हैं कि फॉर्मेट एलिमेंट्स। सो ये जो है ये बेसिकली थ्री टाइप्स का आता है। नंबर वन पे है एरिथ्रोसाइट, नंबर टू पे है लिभोसाइट एंड नंबर थ्री और लास्ट थिंग जो है वो है प्लेटिलेट्स। सो नंबर वन पे जो है ये रेड ब्लड सेल और जो है आरबीसी रहता है इसके अंदर। नंबर टू पे जो है लिभोसाइट पे बेसिकली रहता है व्हाइट ब्लड सेल और है WBC। सो नेक्स्ट पार्ट में चला आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो है ब्लड कॉम्पोजिशन, ये जो ब्लड कॉम्पोजिशन होता है इसका यहाँ पे देख रहे हैं, इसका डायग्राम जो है दिया जा रहा है। नंबर वन पे जो है इसका कॉम्पोजिशन। सो नंबर वन पे जो चीज है हमारा बॉडी से अंदर से ब्लड को निकलना पड़ता है। देन जो होता है नंबर टू, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको पैक्ड अप करना होता है। देन जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको रख दिया। देन नंबर थ्री पे जो है उसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। जो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ ब्लड है, ब्लड को वहां पे डाल देना है और जो है उसको घुमा देना है। उस घुमाने के काम को हम बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूज। देन जो होता है घूमने के बाद जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वो पैक्ड अप करते हैं तो वो जो है अलग अलग वो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो सभी अलग अलग पार्ट हो गया इसको हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ डिपेंडेंट। ये जो है थ्री अलग अलग पार्ट, ऊपर पे रहता है प्लाज्मा, नीचे पे रहता है एरिथ्रोसाइट और जो मिडिल का एक लेयर है, मिडिल का लेयर को हम कहते हैं बाभिकोट। वो जो प्लाज्मा है और जो एरिथ्रोसाइट है उसको अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 55% रहता है प्लाज्मा और जो है एरिथ्रोसाइट रहता है 45% और जो बाभिकोट का पार्ट रहता है मिडिल पे, वो बाभिकोट जो है लेस देन वन यानी कि 1% से भी कम रहता है। वो जो है बाभिकोट का मेन काम क्या होता है, प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट इसको इंडिकेट करना ही होता है इसका मेन काम। सो नेक्स्ट पे देन चला आते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा जो ये प्लाज्मा हो गया, देर रहता है क्या, और फॉर्मड एलिमेंट। सो ये जो है फॉर्मड एलिमेंट एक तरफ और प्लाज्मा एक तरफ। सो इसको तरक्की से देखा जाए तो जो है बहुत ही बड़ा एक साइकिल हमारे अंदर चला आते हैं। ये जो है इसको हम देख लेते हैं एक एक पार्ट क्या है। सो ये प्लाज्मा के अंदर आता है एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट और जो है नाइट्रोजिनस वेस्टेज। सो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन बेसिकली थ्री अलग अलग टाइप्स का आता है। नंबर वन पे जो है वो है एल्बुमिन, नंबर टू पे है ग्लोब्यूलिन्स और नंबर थ्री है फाइब्रोनोजन। और इस तरफ जो है फ्रॉन्ट एलिमेंट को भी इसी तरह थ्री अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर वन है ल्यूकोसाइट, नंबर टू है प्लेटिलेट्स, नंबर थ्री है एरिथ्रोसाइट। ये जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। सो नंबर वन पार्ट है ग्रेन्यूलोसाइट और नंबर टू पे है एग्रेन्यूलोसाइट। तो ग्रेन्यूलोसाइट जो है थ्री अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर वन है न्यूट्रोफिल्स, नंबर टू है इसिनोफिल्स एंड नंबर थ्री पे है बेसोफिल्स।
और जो एग्रीनियोलोसाइट है उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये जो फ्रंट एलिमेंट है, फ्रंट एलिमेंट आपको बताएंगे कि कल जो न्यू वीडियो आएगा ये जो है इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बताएं जो है फ्रंट एलिमेंट ये किस तरह से काम होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, मेनली काम क्या होते हैं, और जो है किस अलग अलग फील्ड में और किस अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड है। सो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड यहाँ पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और दूसरे सेकेंड पार्ट के वीडियो के साथ। सो तभी तक के लिए टिल देन देखते रहिए मेरा चैनल DBS, अच्छा लगा तो शेयर तो बनता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय।